इंग्लिश नहीं आता लिखने के लिए, आपके अंदर सबसे बड़ी कमी जानते हैं क्या है कि आप कभी अपने आप पर समय ही नहीं देते हैं, अपने टैलेंट को आप पहचान ही नहीं पाते हैं। एक लड़का कल मेरे पास मैसेज किया, बोल रहा है कि सर हम लोग बचपन में गांव में पढ़े, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़े, इसलिए इंग्लिश नहीं लिखने आता है। ये कौन सी बात हुई? आप ये सोच के कि मेरा पिछला समय खराब था या मैं पहले ऐसे था इसलिए आप कुछ आगे नया नहीं करेंगे, इसका मतलब हुआ कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं, हम लोग का स्थिति तो और ख़राब था। हम लोग जहाँ पढ़ते थे उसका बिल्डिंग भी चूता था, खपड़े का था वो सब पूरा सिस्टम। इधर बैठते थे इधर चूता था, बोरा लेकर जाते थे, इधर चूता था उधर बोरा उठा के इधर बैठते थे, इधर टपकता था छत तो उधर जा करके बैठते थे। आप सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं, हालात पर रोना, बस अपना विलाप कर देना कि ऐसे था इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे कोशिश तो कीजिए, हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी पर तो जमी पर नहीं गिरता, गिरती है बड़े शौक से समंदर में नदियाँ, कभी किसी नदी में समंदर नहीं गिरता। तो इस चीज़ को समझिए और रोना बंद कीजिए और मेहनत कीजिए, ठीक है? हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कितना मेहनत कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। पिछला समय में आप क्या किए उससे कोई मतलब नहीं।